नमस्कार, मैं सोनम कुमारी। आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर है प्रयागराज से। बता दें, गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली नेता व पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। 3 दशक से राजनीति और अपराध की दुनिया में दबदबा रखने वाले अतीक अहमद के छोटे भाई पूर्व विधायक खालिद आजिम उर्फ अशरफ को क्राइम ब्रांच और प्रयागराज की पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज के सलाखों के पीछे भेज दिया है। बता दें, अशरफ पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था और सूबे में योगी सरकार बनने के बाद से ही वो फरार चल रहा था। अशरफ के खिलाफ प्रयागराज जिले के कई थानों के साथ ही बाहरी जिलों में भी कुल मिलाकर के संगीन धाराओं में 33 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 5 मुकदमों में अशरफ वांटेड भी चल रहा था। IBKP सिंह के मुताबिक पुलिस अब अशरफ की जल्द रिमांड लेकर STF और पुलिस की टीमें उनसे पूछताछ करेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि पूछताछ में कई दबे राज भी पुलिस उगल सकती है। इसके साथ ही पुलिस अब वांटेड मुकदमों में जल्द विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल करेगी और ट्रायल के मुकदमों में सजा दिलाने की भी कोशिश करेगी ताकि जल्द बाहर ना आ सके। इसके साथ ही गैंगस्टर एक्ट में अशरफ की संपत्ति और महंगी गाड़ियों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी, जबकि अशरफ से जुड़े लोगों के खिलाफ भी पुलिस अब शिकंजा कसने के लिए तैयारी कर रही है। ये खास रिपोर्ट थी प्रयागराज से। आज की खबर में इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।